रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, हियर इज तौफीक अहमद ऑफ योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल अगेन डिस्कस पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट डॉब्रिनर एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, एंड टुडे वी डिस्कस लोदर्मियर क्लासिफिकेशन। सो according to Lodermeyer classification, he arranged 56 elements on the basis of increasing atomic volume of elements. kis base pe? atomic volume pe. ab atomic volume kaise find hota hai, atom ka volume kaise find hota hai, ke kisi bhi atom ka atomic weight aur unko divide karenge hum elements ki density ke sath, तो हमें एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम मिल जाएगा। सो लोदर्मियर ने भी क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पे। अब कैसे अरेंज किया? ही प्लॉटेड अ ग्राफ। किस कौन सा ग्राफ बनाया, किसके बीच में बनाया ग्राफ? एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम। मींस के यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू लोदर्मियर क्लासिफिकेशन, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक वॉल्यूम। और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने हमने क्या पढ़ा था कि एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। मगर लोदर्मियर में फंडामेंटल एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। तो अब लोदर्मियर ने ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट का। वो ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ। अब अगर इसमें हम देखें तो एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं और इनमें कर्व्स बनी हुई हैं। ये कर्व्स हमेशा क्या क्या शो कर रही हैं? कर्व्स शो कर रही हैं अकॉर्डिंग टू लोदर्मियर, जो एलिमेंट्स दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द पोजिशन ऑफ द कर्व, एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, दीज एलिमेंट्स हैव लार्जर वॉल्यूम। जो एलिमेंट्स टॉप पोजिशन पे, हाइएस्ट पॉइंट पे, पीक कर्व पे मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। एंड इफ़ यू सी दीज एलिमेंट्स आर कर्व नंबर वन शो लिथियम, कर्व नंबर टू शो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सोडियम, कर्व नंबर थर्ड शो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पोटेशियम, कर्व नंबर फोर्थ शोज द पोजीशन ऑफ रुबिडियम, एंड लास्ट इज सीजियम। तो सबसे पहले ज़्यादा एलिमेंट लार्जर वॉल्यूम किसका है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम का। एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द अल्कली मेटल्स। अगर हम इन अल्कली मेटल के बाद देखें किसकी पोजीशन आ रही है, कौन से एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है, पहले तो हमें पता चल गया कि अल्कली मेटल्स आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव लार्जर एटॉमिक वॉल्यूम। एंड देन इफ यू सी हियर, बिफोर लिथियम देयर इज बेरिलियम। If you move to second curve, there is sodium, but before sodium there is fluorine atom. Means first at the second curve there is first position of highest point of sodium, and below the sodium there is fluorine. On the third curve, below the potassium there is chlorine. On the fourth curve, below the rubidium there is bromine, and at the final curve below the cesium there is iodine. It means after the alkali metals, halogen are those elements which have larger volume. So these are the two types of elements which are showing the
largest volume of the elements in the Lodermeyer classification. अब लोधरमेयर की क्लासिफिकेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि लोधरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया, और एलिमेंट्स को अरेंज करके जो कर्व शो हुई हैं उन कर्व में क्या पता चल रहा है कि कौन से एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है और कौन से एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक वॉल्यूम कम है. तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स हैं जिनका एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पे मौजूद हैं, और जो हेलोजन हैं उनका एटॉमिक वॉल्यूम अल्कली मेटल से क्या है, कम है. तो ये तो थी एक छोटी सी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन लोधरमेयर की, जिसने सिर्फ हमें एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम बताया. अब अगर हम नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मेंडलीव क्लासिफिकेशन. एंड मेंडलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन फर्स्ट टाइम. सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने ग्रुप एंड पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया है. एंड ही मेड अ लॉ दैट लॉ इज कॉल्ड द पीरियडिक लॉ. व्हाट इज पीरियडिक लॉ? द प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट. मीन्स के एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी हैं वो पीरियडिक फंक्शन, जो पीरियडिक टेबल में अरेंज करते हैं, वो किस बेस पे है, कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. द फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. मीन्स के मेंडलीव आल्सो अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट. हाँ, मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट पे अरेंज किए हैं. अब मेंडलीव ने पीरियडिक टेबल कैसे अरेंज किया है कि फर्स्ट टाइम ही मेड 12 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स इन हिज क्लासिफिकेशन इन हिज पीरियडिक टेबल. रिमेंबर दैट पॉइंट, क्योंकि ये हमेशा एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मेंडलीव की पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट. तो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में पीरियड्स कितने होते हैं? 12, एंड ग्रुप्स होते हैं 8. अब मेंडलीव की क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि फीचर्स इसके क्या हैं. पहले एडवांटेज को हम डिस्कस करते हैं. फीचर्स इसके क्या हैं? सबसे पहले कि एलिमेंट अरेंज्ड आर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, एंड ही अरेंज द एलिमेंट्स इन 8 ग्रुप्स एंड 12 पीरियड्स, एंड दीज आर द टू मेन फीचर ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट एडवांटेज इज दैट के ही लेफ्ट द वेकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. हमने पहले ही पढ़ा था, शायद आपको 9th क्लास में याद हो, कि एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ी थी. किसके लिए? जो उस टाइम डिस्कवर नहीं थे. और इसकी मेंडलीव की प्रेडिक्शन थी कि न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड हो सकते हैं क्योंकि ही नोज द एटॉमिक वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स. इसने क्या, कुछ एलिमेंट का मास तो आइडेंटिफाई हो गया था लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कवर्ड नहीं थी. सो दैट इसने क्या किया था कि एलिमेंट्स के लिए प्रेडिक्टेबल में, प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन में वैकेंट स्पेसेस रखा था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए. एंड ही नेम्ड दिस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एज इका बुरान, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन. व्हेन दिस एलिमेंट्स वाज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड एज सिलिकॉन, सॉरी स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. जब अनडिस्कवर्ड थे, प्रिडिक्शन थी, तब नाम रखा था इका एल्यूमिनियम, इका बुरान एंड इका सिलिकॉन. व्हेन द एलिमेंट डिस्कवर्ड देन न्यू एलिमेंट्स का नाम क्या रखा था? गैलियम, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम. एंड इज थर्ड एडवांटेज इज दैट ही करेक्ट द एटॉमिक मासेस ऑफ डाउटफुल एलिमेंट्स. सो दीज वर द थ्री एडवांटेजेस
of Mendeleev classification. Now, there is disadvantage of Mendeleev. First of all, there is no actual position of hydrogen. Because hydrogen resembles with halogen, non-metal elements. How? If you see the atomic number of hydrogen, atomic number of hydrogen is 1, whose last valence shell contains 1 electron, but it needs 1 electron to complete its duplet. And if you move towards the halogen elements fluorine atomic number 9. First shell contains 2 electrons and second shell contains 7 electrons. Again, last shell contains 7 electrons, but fluorine also needs 1 electron to complete its octet. Now, halogen and fluorine, both element need 1 electron to complete their duplet and octet. There is a similarity. क्योंकि उनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए. एंड अनदर सिमिलरिटी इज दैट हेलोजन इज नॉन मेटल एंड फ्लोरिन इज आल्सो नॉन मेटल. एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल इन डिटेल, बिकॉज हाइड्रोजन नॉट ओनली रिजेंबल विथ हेलोजन्स बट इट आल्सो रिजेंबल विथ 4 ग्रुप एलिमेंट्स. So resemblance or similarity of hydrogen with other elements we will discuss inshallah next chapter number 2 in details. Here there is a little bit ke hydrogen or halogen elements dono hi aapas mein kya hai similarities rakhte hain. Then second disadvantage is that there is no space for isotope of element. If you see the hydrogen atomic number 1 which is placed in the Mendeleev periodic table, and you know that hydrogen has 3 isotopes. One is protium, second deuterium, and third is tritium. Protium mass number 1, deuterium mass number 2, and tritium mass number 3. If you see the Mendeleev periodic table, there is only one hydrogen present whose mass number is 1. Remaining isotopes of hydrogen are missing over there. Not only hydrogen, but there are the isotopes of carbon, nitrogen, oxygen, and chlorine. These all are the isotopes which have no space for their position in the periodic table. So ye bhi ek advantage hai ki isotopes hain kyunki elements ko arrange kiya gaya hai mass ke base pe, on the basis of atomic weight. Then isotopes are those atom which have same atomic number but different mass number. Ab unka mass agar change hota hai isotopes का, तो that must be include in that periodic table, but there is missing. So ये भी एक disadvantage है. Second, third disadvantage is that के different element placed together in same group in one group. Alkali metals and coinage metals. Alkali metals are called the main are representative element, but coinage metal are transition elements. Mendeleev placed both metal in same in one group, while alkali and coinage are different properties. ये भी एक disadvantage है, क्योंकि जिनकी properties match नहीं करती वो same periods में रखे गए थे, group में रखे गए थे. Then second is incorrect order of placing elements. अब जिनका atomic masses ज़्यादा है वो पहले रखे और जिनका atomic masses कम है वो बाद में रखे. Example, he placed tellurium 128 before iodine 127. There is a defect के increasing atomic weight, there must be iodine first and tellurium as a last, but he placed tellurium before iodine. And second is that cobalt mass number 59 came before nickel 58. तो यहाँ पर भी इसका क्या है, ये एक डिसएडवाटेज है. The like elements were placed in different groups. अब पहले जो similar elements, जो different elements थे उनको साथ में
अब जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि जो कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है बट दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. एग्जांपल प्लैटिनियम एंड सिल्वर व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बट वर प्लेस्ड इन दी डिफरेंट ग्रुप्स. दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ द मेनली. एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज दैट इट डज नॉट प्रोवाइड दी क्लियर आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं दिया था. तो ये थी मेनली की क्लासिफिकेशन. उम्मीद है ये वीडियो आपने इंजॉय की होगी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.